हाय बडीज, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और ये हमारा YouTube चैनल मार्गदर्शक गुरुजी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं डूडस के सातवें यूज के बारे में, और वो है क्या, सब्जेक्ट डूडस नॉट डेयर टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। दोस्तों, डेयर टू भी अलग अलग तरह से बनाया जाता है, जिसमें एक स्ट्रक्चर उसका सब्जेक्ट, डेयर टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। जैसे मुझे शेर का शिकार करने की हिम्मत है, सो आई डेयर टू हैंडल लायन, ऐसा भी बना सकते हैं। या इस स्ट्रक्चर में भी बना सकते हैं, जैसे अगर मुझे बनाना है, मुझे शेर का शिकार करने की हिम्मत है, सो आई डेयर टू हैंडल लायन। मुझे शेर का शिकार करने की हिम्मत नहीं है, आई डेयर नॉट टू हैंडल लायन, जहां पर डूडस नहीं लगा हुआ है। लेकिन एक दूसरा स्ट्रक्चर इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे मुझे शेर का शिकार करने की हिम्मत है, आई डेयर टू हैंडल लायन। मुझे शेर का शिकार करने की हिम्मत नहीं है, सो आई डू नॉट डेयर टू हैंडल लायन, इस तरह से भी बनता है। तो मैंने दूसरे स्ट्रक्चर को इस्तेमाल किया है जिसमें डूडस का इस्तेमाल हुआ है। तो दोस्तों, यहां पर भी तीन तरह का स्ट्रक्चर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, नेगेटिव, ये जो मैं करवा रहा हूं, इसके इसी का इंट्रोगेटिव और इसी का डब्ल्यूएच पैटर्न, तीनों आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मैं सिर्फ एक स्ट्रक्चर समझा रहा हूं, इसके आधार पर आप दूसरों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। दोस्तों, सब्जेक्ट डू डज नॉट डेयर टू वी वंडर ऑब्जेक्ट, चूंकि यहां डेयर टू है, इसलिए कर्ता को कुछ करने की हिम्मत नहीं है, ये नेगेटिव है, इसलिए कर्ता को कुछ करने का साहस नहीं है। जैसे मुझे शेर से लड़ने की हिम्मत नहीं है, मुझे वहां जाने की हिम्मत नहीं है, मुझे स्टेज पर बोलने की हिम्मत नहीं है, मुझे उसे मोटिवेट करने की हिम्मत नहीं है, राम को यहां आने की हिम्मत नहीं है, हमें उनके साथ की हिम्मत नहीं है, मुझे उसे चैलेंज करने की हिम्मत नहीं है, उसे मेरा चैलेंज एक्सेप्ट करने की हिम्मत नहीं है, हमें रिकॉर्ड्स बनाने की हिम्मत नहीं है। जब कर्ता को किसी काम को करने की हिम्मत या साहस नहीं होगा, तो हम लोग इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करेंगे। यहां पर बहुत सारे सेंटेंस दिए भी हैं, जैसे उसे शेर का शिकार करने की हिम्मत नहीं है, तुम्हें उसे पीटने की हिम्मत नहीं है, लोगों को हमें भड़काने की हिम्मत नहीं है, राम को निर्णय लेने की हिम्मत नहीं है, कटप्पा को बाहुबली को मारने की हिम्मत नहीं है, मुझे चुनौती देने की हिम्मत नहीं है, मुझे उसे चुनौती देने की हिम्मत नहीं है। अगर हम बनाना चाहें तो हिम्मत वाले काम, वो भी नेगेटिव, जैसे मुझे शेर का शिकार करने की हिम्मत नहीं है, सो आई डू नॉट डेयर टू हैंडल लायन। मुझे चुनौतियों का सामना करने की हिम्मत नहीं है, आई डू नॉट डेयर टू फेस द चैलेंज, मुझे उसे चैलेंज करने की हिम्मत नहीं है, सो आई डू नॉट डेयर टू चैलेंज हिम, उसे मेरा चैलेंज एक्सेप्ट करने की हिम्मत नहीं है, ही डज नॉट डेयर टू एक्सेप्ट माय चैलेंज, मुझे आपको पीटने की हिम्मत नहीं है, आई डू नॉट डेयर टू बीट यू, आपको इतिहास रचने की हिम्मत नहीं है, यू डू नॉट डेयर टू मेक हिस्ट्री या क्रिएट हिस्ट्री, जैसा बोलना चाहे, मुझे राम को थप्पड़ मारने की हिम्मत नहीं है, सो आई डू नॉट डेयर टू स्लैप राम। तो इस तरह हम लोग सेंटेंस बना सकते हैं। दोस्तों, यहां पर भी बहुत सारे सेंटेंस दिए हैं, उसी को भी ट्रांसलेट कर लेते हैं। उसे शेर का शिकार करने की हिम्मत नहीं है, उसे मतलब ही, सो ही डज नॉट, क्योंकि ही सिंगुलर, इसलिए डज लगा, ही डज नॉट डेयर टू हंट द लायन। तुम्हें उसे पीटने की हिम्मत नहीं है, तुम्हें मतलब यू, सो यू डू नॉट डेयर टू बीट हिम, यू डू नॉट डेयर टू बीट हिम, लोगों को हमें भड़काने की हिम्मत नहीं है, सो पीपल, क्योंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट है, पीपल डू नॉट डेयर टू प्रोवोक अस, भड़काना मतलब प्रोवोक, सो पीपल डू नॉट डेयर टू प्रोवोक अस। आगे देखिए, राम को निर्णय लेने की हिम्मत नहीं है, सो राम है सिंगुलर सब्जेक्ट, इसलिए लगेगा डज, राम डज नॉट डेयर टू निर्णय लेने की, टेक डिसीजन, सो राम डज नॉट डेयर टू टेक डिसीजन। कटप्पा को बाहुबली को मारने की हिम्मत नहीं है, अब कटप्पा इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, सो कटप्पा डज नॉट डेयर टू किल बाहुबली, कटप्पा डज नॉट डेयर टू किल बाहुबली। मुझे उसे चुनौती देने की हिम्मत नहीं है, सो आई डू नॉट डेयर टू चैलेंज हिम, चैलेंज एक वर्ब है जिसका मतलब होता है चुनौती देना, सो आई डू नॉट डेयर टू चैलेंज हिम। दोस्तों, इसी तरह कुछ सेंटेंस है, रिटन में भी हमें देखना ही चाहिए, जैसे उसे शेर के साथ लड़ने की हिम्मत नहीं है, सो ही डज नॉट डेयर टू, शेर के साथ लड़ने की, फाइट विथ द लायन, शेर के साथ लड़ने की हिम्मत नहीं है, सो ही डज नॉट डेयर टू फाइट विथ द लायन। ठीक है, ही डज नॉट डेयर टू फाइट विथ द लायन, हमें परेशानियों का सामना करने की हिम्मत नहीं है, सो वी डू नॉट, बनाइए आप भी, वी डू नॉट डेयर टू फेस द प्रॉब्लम्स, परेशानियां मीन्स प्रॉब्लम्स, वी डू नॉट डेयर टू फेस द प्रॉब्लम्स। मेरे पापा को जोखिम लेने की हिम्मत नहीं है, सो माय फादर डज नॉट डेयर टू टेक रिस्क, मेरे पापा को जोखिम लेने की हिम्मत नहीं है, माय फादर डज नॉट डेयर टू टेक रिस्क। अंकित को स्टेज पर भाषण देने की हिम्मत नहीं है, सो अंकित डज नॉट डेयर टू स्पीच, स्पीच भी खुद एक वर्ब है, ऑन द स्टेज,
सो अंकित डज नॉट डेयर टू स्पीच ऑन द स्टेज. उसे अपनी गलतियों को स्वीकार करने की हिम्मत नहीं है. सो ही डज नॉट डेयर टू एक्सेप्ट अपनी गलती हो गई एक्सेप्ट हिज मिस्टेक्स. सो ही डज नॉट डेयर टू एक्सेप्ट हिज मिस्टेक्स. तो गाइज यहां पर हम लोगों ने डज नॉट डेयर टू का इस्तेमाल सीखा कि डू डज का इस्तेमाल हम लोग डेयर टू वाले फॉर्मूले में भी कैसे कर सकते हैं. सो गाइज जैसा कि मैं आप लोगों को वीडियो की शुरुआत में भी बताया कि हम लोग ये नेगेटिव स्ट्रक्चर को इस्तेमाल करना सीखे हैं, इसकी जगह आप इंट्रोगेटिव WH पैटर्न भी इस्तेमाल कर सकते हैं. जैसे देखो, मुझे वहां जाने की हिम्मत नहीं है. आई डू नॉट डेयर टू गो देयर. इसका इंट्रोगेटिव है. क्या मुझे वहां जाने की हिम्मत है? डू आई डेयर टू गो देयर. मुझे वहां जाने की हिम्मत क्यों है? वाई डू आई डेयर टू गो देयर. तो आप तीनों स्ट्रक्चर बनाकर देखिएगा, खूब प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आपको ये सभी स्ट्रक्चर बहुत आसान लगे. उम्मीद करता हूं दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से जो डू डज का मैं सातवां यूज आप लोगों को समझाने जा रहा था वो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा. किसी तरह का प्रॉब्लम है तो वीडियो को रिपीट करके देखिएगा. इसके बावजूद भी प्रॉब्लम बनी रहती है तो मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा. आने वाले वीडियोज में सभी प्रॉब्लम को दूर किया जाएगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी.